सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण जानकारी और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी क्वेरीज हैं उन सभी का आंसर इस वीडियो में देने वाला रहूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें आपके करियर के बारे में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अराउंड 17 to 18 के एज के लमसम से आपकी एक भाग्य रेखा निकल के माइंड लाइन पर आकर के रुकी है अराउंड 33 के एज में। तो ये जो समय था आपने कहीं ना कहीं अच्छा ही इस टाइम पे अपना सदुपयोग किया है। अर्निंग के हिसाब से देखा जाए, वेल्थ के हिसाब से या लक के हिसाब से भी देखा जाए, तो ये बहुत अच्छा पीरियड यहाँ इंडिकेट हो रहा है। इससे भी ज़्यादा स्मूथ लाइन आपकी यहाँ अराउंड 29 के एज से स्टार्ट हुआ है, यानी 29 के एज के अराउंड से रिलीफ मिलना कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट हुआ है। और ये रेखा सीधे क्लियर कट यहाँ पर आगे आपका चलते हुए अराउंड हार्ट लाइन के पहले आकर के रुकी है, और फिर हार्ट लाइन के बाद दूसरी यहाँ पर आपकी लक लाइन क्रिएट हो रही है। तो अराउंड 53 के एज में भी करियर में आपके चेंजेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये रेखा जो भाग्य रेखा वो थोड़ी कमज़ोर हुई है अराउंड 35 से लेकर के 37 के मिड में, लेकिन उसके बाद से फिर यहाँ पर आपकी जो सैटर्न लाइन है वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हुई है। इट मीन्स अराउंड 37 के बाद से करियर आपका और अच्छा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, और आगे चल करके और अच्छी मेजर ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रही है। इसमें देखेंगे तो एक छोटे से ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी यहाँ पर बन रहा है, एक प्रकार से दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। तो जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में ये इंडिकेट करता है। तो अराउंड 41 और 42 के मिड में आप अपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो आपके यहाँ घर बार से रिलेटेड जो क्वेरी थी कि खुद का हाउस कब होने के चांसेस है, तो वो 42 अराउंड एज में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो वेल्थ या लक की बात करें तो कंपेरेटिवली यहाँ पर आपकी जो सेटन लाइन है वो स्ट्रॉन्ग अच्छी चल रही है। ऊपर से माइंड लाइन के ऊपर से भी एक लाइन निकली हुई है जो कि एक प्रकार से मेंटेलिटी में ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बढ़ जाना या बिजनेस में भी आने के चांसेस को अच्छा इंडिकेट करता है। लाइफ लाइन के ऊपर भी देखें तो यहाँ पर भी जो आपका जो फ्लो है, जो कर्व है लाइफ लाइन का, वो भी बहुत स्मूथ चल रहा है। तो हेल्थ, वेल्थ और लक तीनों के तीनों बहुत अच्छे गुड रिजल्ट दे रहा है 42 के एज के बाद में भी, यानी आने वाला टाइम आपके लिए और ज़्यादा प्रोग्रेसिव और सपोर्ट में देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा कोई ऑब्स्टिकल्स या ट्रबल नहीं रहने वाला है। और इसके अलावा जहाँ तक बात करें मैरिड लाइफ के बारे में, तो यहाँ गुरु एरिया थोड़ा कम ले रहा है। शुक्र हालांकि डेवलप्ड आपका अच्छा है, लेकिन गुरु जब एरिया डेवलप नहीं हो पाता ये, तो ये मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन या अनस्टेबिलिटी देने वाला रहता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर मेन कारक है मैरिज का। और जब ये अमाउंट वीक हो जाता है तो परिवार को समय कम दे पाते हैं, या फिर फैमिली के ओर से अंडरस्टैंडिंग या जो एक प्रकार से कैपेबिलिटी या बॉन्डिंग जो है वो थोड़ा वीक देखने को मिलता है। तो इस कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग होना या एक अनसेटिस्फेक्शन या अनस्टेबिलिटी नॉर्मली देखने को मिलता है। बट अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे आपके फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। इट मीन्स आपके दिलो दिमाग में जैसे ही कोई बात आता है उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पेशेंस लेवल आपके अंदर कम देखने को मिलेगा। कोई भी चीज़ को पाने की चाहत, यानी रिजल्ट को पाने की चाहत आपके अंदर बहुत रहेगी। शॉर्ट फिंगर नॉर्मली बहुत अच्छे एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है, जिसके कारण स्टेमिना, स्फूर्ति, जुनून, हौसला ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बस इसमें कमी एक यही है कि जल्दबाजी हड़बड़ी के कारण कई मर्तबा इंस्टेंट डिसीजन जो है थोड़े गलत भी ले सकते हैं। इसलिए खासकर डिसीजन लेने से पहले या प्लानिंग करने से पहले खूब अच्छे से सोच विचार के अगर आप कोई काम करेंगे या दूरदर्शिता रख करके काम करेंगे, तो उन सारे कार्यों से अत्यधिक आपको लाभ देखने को मिलेगा। बात करें लिटिल फिंगर की, तो ये तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्स से थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन कोई मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपका मर्करी माउंट डेवलप्ड अच्छा है। जब मर्करी माउंट डेवलप्ड हो तो फिंगर के जो थोड़े बहुत दोष होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छे कम्युनिकेशन और मार्केटिंग स्किल को इंडिकेट करता है। तो आपके अंदर नॉलेज एक प्रकार से मैनेजमेंट का, एक प्रकार से मार्केट का बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ पंचुअलिटी या चीज़ों को संभाल के रखना, याद शक्ति, ये भी बहुत मजबूत देखने को मिलता है।
इसके बाद बात करें आपके थर्ड फिंगर के लेंथ के विषय में, तो देख पाएंगे थर्ड फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में, सारे फिंगर के कंपैरिजन में अच्छे स्ट्रेंथ में खड़ा है। थर्ड फिंगर होता है सूर्य का, इसलिए ये अच्छे नेम फेम रिस्पेक्ट को, पॉपुलैरिटी को और एक प्रकार से समाज में अच्छे स्टेटस को भी इंडिकेट करता है। बेसिकली थर्ड फिंगर रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, तो रिस्क लेने से पहले आप लाइफ में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। जेब में 5 रुपये हो, रिस्क के बारे आगे लाखों में आप ले लेंगे। बहुत अच्छा, ये हिम्मती स्वभाव को भी व्यक्त करता है और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी आप जैसे जातकों में देखने को मिलता है, जिसको अगर निखारा जाए तो नेम फेम रिस्पेक्ट और ज़्यादा पॉपुलैरिटी के चांसेस बढ़ते हैं। सारी फिंगर एकदम स्ट्रेट खड़ी है, जिसके कारण आप अपने हितों की रक्षा करने वाले रहेंगे, जो एक बार ठान लिए वो चीज़ हासिल करके ही दिखाने वाले रहेंगे। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध तकरीबन यहाँ मधुर रहने वाले हैं। फेलेंजस और अंदरूनी मंगल दोनों डेवलप्ड अच्छे से, जिसके कारण फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी आपके अंदर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। थंब का साइज़ भी यहाँ पर सशक्त है, मजबूत है और एक प्रकार से मांसल इस थंब में ज़्यादा है, तो हाथापाई करने से भी पीछे आप जैसे जातक ज़्यादा जो है नहीं रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब मांसल ज़्यादा हो तो ये अच्छे ईगो और एटीट्यूड को भी इंडिकेट करता है। अच्छा ईगो एटीट्यूड इसलिए क्योंकि आप जैसे जातकों में सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना ज़्यादा देखने को मिलती है। पीछे की ओर थंब थोड़ा बैंड भी हो रहा है, जो फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग नेचर एटीट्यूड मेंटेलिटी को यहाँ पर इंडिकेट करता है, मेंटेलिटी को। और यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड फेलेंज की लेंथ में, फर्स्ट फेलेंज की लेंथ यहाँ ज़्यादा अच्छा है, जिसके कारण आपके अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। पहले आप एक्शन ले लेते हैं, उसका थिंकिंग एनालिसिस प्रो कॉन्स इस प्रकार के योग आपके हाथ में बन रहे हैं। वहीं यव का चिन्ह भी आपके हाथ में डेवलप्ड अच्छा है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को इंडिकेट करता है, यानी अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें तो लाइफ में आपके हैप्पीनेस और पीसफुलनेस भी अच्छा बढ़ जाने वाला रहेगा। वहीं पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में ज़्यादा है, नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इस कारण से अपने मन के मुताबिक कार्य करना आपको ज़्यादा पसंद रहता है। नीचे का एरिया ये जो है इंस्पिरेशन और मोटिवेशन को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आपके अंदर लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर और एम्बिशन देखने को मिलेगा। लाइफ के प्रति जो एक्सपेक्टेंसी है बहुत ज़्यादा होती है और पूरा का पूरा हाथ में शुक्र शासित हाथ आपका ज़्यादा है। शुक्र शासित हाथ होने के कारण ये थोड़े ज़्यादा कामुकता को, लग्जरियस लाइफ को, शौकीन किस्म के नेचर को, अच्छे रॉयल्टी और गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंडिकेट करता है। तो जीवन में किसी भी प्रकार की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, सुख सुविधा हो, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करेंगे, खुद तो मौज मस्ती करेंगे, दूसरों को भी कराने वाले रहेंगे, ये बेसिक नेचर में रहता है। बट इस प्रकार का शुक्र खर्चे बहुत कराता है और किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन यानी लत लगवा भी देता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो गुरु का माउंट वैसे वीक है, बट यहाँ की आड़ी रेखा स्पिरिचुअलिटी को अच्छा इंडिकेट करती है। जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है, उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा और दयालुपन भी आपके अंदर रहेगा, जिसके कारण किसी का दुख दर्द जल्दी ही समझ पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, वैसे योगों को ये बताता है। साथ ही साथ माइंड लाइन और कुछ सेवरल्स लाइन भी प्रोग्रेसिव यहाँ पर निकली हुई है, जो अगेन एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है। कभी हार आप नहीं मानने वाले व्यक्तित्व में से देखने को मिल रहे हैं। वहीं सैटर्न माउंट आपका डेवलप्ड नॉर्मल है, लेकिन कोई सेपरेट यहाँ पर लाइन नहीं है। जब सैटर्न माउंट पर सेपरेट भाग्य रेखा ना पहुँचे या लाइन ना हो, तो ये अनसेटिस्फैक्शन को ज़्यादा इंडिकेट करता है, यानी लाइफ में हर चीज़ होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको असंतुष्टि देखने को मिलेगा। मन बहुत जल्दी भयभीत होता है, भटकता है और चिंता भी बेफिजूल की देखने को मिलती है। सैटर्न माउंट भी सेपरेट यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है, जिसके कारण आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आती है। बट ओवरऑल देखें तो कुछ लाइंस यहाँ अवेलेबल है जो इस माउंट को थोड़ा पावर दे रही है, बाकी जो सन माउंट है ओवरऑल कंपेरेटिवली नॉर्मल है। सन माउंट पे कोई रेखा ना होना कोई ख़राब नहीं माना जाता, ये बात ज़रूर है कि आपका जो सोशल रहेगा वो थोड़ा लिमिटेड रहेगा। जिन लोगों के साथ आपके रिलेशन रहेंगे 100% प्योर रहेंगे, दैट्स इट, इस प्रकार के योगों को बताता है। वहीं जो मरकरी माउंट है वो डेवलप्ड अच्छा है, एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी बताती है, तो अपने बातों से दूसरों को ईजिली कन्विंस कर सकते हैं और बहुत अच्छे प्रभावित भी अपने बातों से आप और नेचर से अपने कर सकते हैं, क्योंकि बुध अट्रैक्शन का केंद्र होता है, वाणी का केंद्र होता है। और जब यहाँ से पर एक से अत्यधिक रेखा, तो ये तो सिंपैथेटिक नेचर देता ही है, लेकिन बिजनेस लक में भी बहुत ज़्यादा फायदा देता है और कम्युनिकेशन से अधिकतर काम बनते हुए भी देखने को मिलते हैं, इसीलिए इससे आपको सर्वाधिक लाभ है। हल्की हल्की मरकरी लाइन भी डेवलप्ड हो रही है, इन फ्यूचर अगर ये बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है तब जाकर के आपको मेनली बेनिफिट्स मिल पाएगा इसके द्वारा।
बाकी सेपरेट्स बात करें यहाँ पर आपके हार्ट लाइन के बारे में, तो हार्ट लाइन यहाँ से निकल के सेपरेटली सैटर्न माउंट पे आके रुका, जो कि प्रैक्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है। प्रैक्टिकल नेचर होना अच्छी बात है, लेकिन आप जैसे जातकों में जो सबसे बड़ी कमी होती है वो यही होती है कि अपने इमोशंस फीलिंग्स को शो नहीं कर पाते या फिर दूसरों को समझ नहीं पाते। बहुत मरतबा ऐसा केसेस देखने को मिलता है कि आप लोगों को सिंपैथी देना चाह रहे हैं, उनके दुख में सम्मिलित होना जा रहे हैं, पर वो नेचुरल आपको आ नहीं रहा है, वैसे जो भाव हैं वो आते नहीं हैं, और वहीं अपने भाव भी आप दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते। तो ये बिगेस्ट एक प्रकार का ड्रॉबैक होता है, लेकिन सामने वाले के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे जज कर रहा है। अगर वो बहुत अच्छे से आपको समझते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रॉब्लम किसके लिए आएगा इस प्रकार का नेचर जैसा आपका है? ये प्रॉब्लम स्ट्रेंजर नए लोगों के लिए आएगा जो आपको नहीं जानते हैं। तो बेसिकली प्रैक्टिकल नेचर होने के कारण बहुत सारी बातें आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर बेफिजूल की भी लग सकती है, क्योंकि इमोशंस फीलिंग्स का अभाव होने के कारण इतना ज़्यादा तवज्जो आप किसी भी भाव को नहीं देते हैं। तो शायद इसके कारण भी मोस्ट प्रोबेबली आपका जो गुरु माउंट है वो भी अफेक्ट होता हुआ दिख रहा है। गुरु माउंट का अफेक्ट होने के पीछे मल्टीपल्स रीजंस होते हैं, और इसका जो प्रॉपर रीज़न है वो फाइंड करने के लिए कुंडली ही देखा जाता है, लेकिन हाथ के द्वारा कुछ थोड़े बहुत इंडिकेशंस समझ में आ जाते हैं कि हाँ इसके कारण ये चीज़ हो सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपके अंदर देखने को मिला है, और चाहे जितना भी आपको कोई इमोशनल कर ले, भाव में बहका ले, लेकिन आप कहीं ना कहीं दिमाग से ज़्यादा सोचेंगे, और फाइनल जो आपका हर चीज़ में डिसीजन निकलेगा वो प्रैक्टिकल व्यू में ही निकलने वाला रहेगा, प्रैक्टिकल कहें या लॉजिकल कहें, उस व्यू में। माइंड लाइन में देखेंगे तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों इंडिपेंडेंट चल रही है, जो कि बेसिकली ज़िद्दीपन को ज़्यादा इंडिकेट करता है। तो आप अपने ज़िद के आगे ज़्यादा किसी की सुनेंगे नहीं, और माइंड लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसके कारण आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के रहेंगे। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ टू द पॉइंट बात करना है, सुनना, ये सबसे ज़्यादा आपको पसंद रहने वाला है। पुरानी से पुरानी छोटी से छोटी बातों को भी अच्छे से याद रख पाएंगे, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाएंगे। और यहाँ से जो ऊपर की ओर शाखा भी जो है उठ रही है, बुध की तरफ जा रही है, ये कम्युनिकेशन में और ज़्यादा आपको बढ़ोतरी देने वाला होगा। प्रमोशन, ग्रोथ के चांसेस बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा ये दे देता है, और बिजनेस में आने के चांसेस को भी ब्राइट ही करता है। बाकी कोई मेजर इशू यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम यहाँ आपके माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली जब ये राहु की रेखा काट के जा रही है, और फिर थोड़ा सा यहाँ पर गड्ढे भी दिख रहे हैं एक से दो, तो जो टफेस्ट टाइम रहा है वो 25 का रहा है, और 27 में ये टाइम पीरियड में मेंटल प्रेशर या टेंशन आपको ज़्यादा रहा है। बाकी बात करें लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन में भी आइलैंड के फॉर्मेशन स्टार्टिंग से है, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग लाइफ में यानी अराउंड 14 के एज तक हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ या प्रॉब्लम आपको ज़्यादा रहा है। फिर उसके बाद एक आइलैंड का फॉर्मेशन एक और अवेलेबल है अराउंड 22 के एज में भी, तो ये टाइम पीरियड में भी कहीं ना कहीं चोट लगना, थोड़े बीमार रहना या हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को, टेंशन को ये इंडिकेट करता है। लेकिन उसके बाद कोई मेजर इशू नहीं है। फिर प्रोग्रेसिव लाइंस निकली, और फिर सपोर्टिव लाइन यहाँ पर आपके जुड़ रही है अराउंड 31 के एज के लमसम में, तो उसके बाद से आपको सपोर्ट मिलना दूसरों का अच्छा स्टार्ट हुआ। इसके पहले तक इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, उसके पहले तक मंगल की रेखा जरूर यहाँ पर चल रही थी। मंगल की रेखा भी बताती है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जुनून, हौसला, पराक्रम, फुर्तीलापन बहुत ज़्यादा रहा है, तो आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी ही नहीं है किसी की। लेकिन अराउंड 31 के एज कद से सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ, जिसके कारण थोड़ा स्ट्रेसेस कम हुआ है, और जो ड्रीम डिज़ायर है उसको भी कंप्लीट करने में दूसरे व्यक्तियों ने आपकी मदद अच्छी की है। फिर यहाँ ये जो लाइफ लाइन है सीधे कर्व लेते हुए शुक्र माउंट के एंड में आ रहा है, जो कि फैमिली फोकस, करियर फोकस और अच्छे हेल्थ के साथ साथ लॉन्ग लाइफ को भी इंडिकेट करता है। लॉन्ग लाइफ अराउंड 80 to 84 एज यहाँ इंडिकेट हो रहा है। वहीं सेपरेट देखें तो कोई ऐसी प्रोग्रेस लाइन या मेजर ट्रबल की लाइन नहीं है। हल्की हल्की जो ये लाइनें काट रही हैं ये थोड़ा सा अननेसेसरीज वरीज देती है, बेफिजूल की भागा दौड़ी बढ़ाती है। अराउंड उम्र ये आपका देखने को मिलेगा 36 से लेकर के 41 के मिड में, लेकिन कोई मेजर इशू नहीं है, अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदरूनी बाहरी मंगल दोनों डेवलप्ड अच्छा, जिसके कारण शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा या मानसिक बल दोनों आपका अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट रहेंगे, कभी भी किसी को ना नहीं कर पाएंगे, हमेशा मदद के लिए ऑलवेज रेडी आप रहने वाले रहेंगे। शुक्र का क्षेत्र भी अच्छा डेवलप है, जिसके कारण ये अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या को भी व्यक्त करता है। तो जीवन में किसी भी प्रकार की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, लग्जरीज, घूमना फिरना, ऐशो आराम, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। और ऐसा शुक्र खर्चे बहुत करा देता है, सेविंग में प्रॉब्लम देता है। अदरवाइज ऐसा शुक्र एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, बंगला, हर चीज़ का सुख देता है। वैसे आपको विद इन 2 ईयर प्रॉपर्टी के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो शुक्र ये सारी चीज़ आपको देगा ही, लेकिन यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करती है। तो अननेसेसरीज वरीज फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, मनी के रिगार्डिंग आपको थोड़ा रह सकता है।
आप को अगर किसी चीज़ की लत है तो छुटकारा पाने का प्रयत्न करें, और थोड़ा सा सेविंग मोड में पैसा भी रखें, क्योंकि आपका सेटल अमाउंट पे कोई भी सेवरल पॉजिटिव यहाँ लाइन नहीं है जो यहाँ इंडिकेट करता है कि बेसिकली रिटायरमेंट के बाद जो अर्निंग सोर्सेज रहेगा वो लिमिटेड हो जाने वाला रहेगा। हालांकि इसको बिल्कुल भी नेगेटिव करार नहीं किया जाता है, लेकिन तब भी सेविंग करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है, और हमेशा एडवाइस ऐसे जातकों को किया जाता है जिनके जो है हार्ट लाइन के ऊपर सैटर्न लाइन प्रॉपरली मौजूद ना हो। इसके अलावा देखें तो केतु माउंट डेवलप नॉर्मल है, चंद्र का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है, तो काल्पनिकता सोचने समझने की क्षमता ठीक रहेगी, आपकी सकारात्मक रवैया अच्छा देखने को मिलेगा, और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, डेवलप्ड हुआ नहीं है पर हो रहा है, तो ये इन फ्यूचर जब प्रॉपर ट्रायंगल के फॉर्मेशन में आएगा तब जाके धन अच्छा आएगा, रुकेगा भी और बचेगा भी। सेपरेट बात करें आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी फेट लाइन इंडिपेंडेंट चल रही है, और एक प्रकार से मून लक लाइन का भी कनेक्शन है, तो आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है। 36 के बाद की जो रेखा है यहाँ पर सैटर्न तक पहुँची है, तो ये अच्छे लक को जनरेट कर रहा है। सन लाइन भी यहाँ पर स्ट्रांग है, तो इस कारण से ये अच्छे गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट से मिलने वाले बेनिफिट्स को भी इंडिकेट करता है। मरकरी लाइन भी यहाँ पर डेवलप्ड होकर के चल रही है, तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, तो धन जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा भी। शुक्र थोड़ा ओवर डेवलप है, तो ये एक प्रकार से शौकीन किस्म का नेचर 100% देता ही देता है, एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ा देता है कि वो एनर्जी के ओवरफ्लो के चक्कर में कुछ ना कुछ एडिक्शन लगता ही है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें, बाकी कोई ऐसी नेगेटिव पॉइंट या दिक्कत परेशानी नहीं है। राइट पाम में जो कमी था वो लेफ्ट पाम में पूरा हो रहा है फेट लाइन और सारे फॉर्मेशन के कारण, तो लाइफ आपकी इतनी ज़्यादा टफ नहीं रहेगी कि अब आने वाले टाइम में, और स्मूथ और कम्फर्टेबल लाइफ देखने को आपको मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।